कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को 6 महीने बाद भी काफी सावधानी बरतने और अपना ध्यान रखने की जरूरत है। कई अध्ययनों के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण मरीज के फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में 6 महीनों में जोखिम ज्यादा रहता है। यह वायरस संक्रमित मरीजों के फेफड़ों को कमजोर करता है, ऐसे में उन्हें कई गंभीर शारीरिक समस्याएं होने का खतरा ज्यादा रहता है। इस स्थिति में मरीज को अपने फेफड़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ सावधानियां बरतकर आप अपने फेफड़ों की केयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना के बाद आप अपना ख्याल रख सकते हैं। कुछ अध्ययनों की माने तो रोग का पता लगने के 6 महीने बाद भी कोविड-19 के मामूली मामलों में मौत का जोखिम कम नहीं है, क्योंकि यह बीमारी की गंभीरता के साथ बढ़ता जाता है। वहीं एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कम गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों को खास एहतियाती बरतने की बात कही गई है। ऐसे में ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई है और इसे कम से कम 6 महीने तक जारी रखने को कहा गया है। उनकी ओर से ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज करने का तरीका बताया गया है। यह बहुत आसान है। इसमें मुंह में सांस भरकर रोका जाता है। अगर आप 25 से 30 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके फेफड़े एकदम स्वस्थ हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जो लोग कोरोना से उबरने में कामयाब हो गए हैं उनको ठीक होने के बाद भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण से ठीक हुए मरीजों में इसके 6 महीने बाद भी लंग फाइब्रोसिस की समस्या हो सकती है। लंग फाइब्रोसिस में मरीजों के फेफड़ों में सिकुड़न हो जाती है। ऐसे में फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज को अपने खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मिर्च मसालों वाले खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया कि कोरोना के ठीक होने के बाद भी आप खुद का और अपने फेफड़ों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।